जंग में आम इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम हल्का पीपी 127 से मौलाना मसरूर नवाज की इंतखाबी मुहिम जारी। मौलाना मसरूर नवाज की जानिब से सरगोदा रोड मार्केट में मुहिम, जंग सिटी लंबरू वाला चौक में डोर टू डोर मुहिम का आगाज कर दिया गया। आम इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम हल्का पीपी 127 से मौलाना मसरूर नवाज की इंतखाबी मुहिम जारी। मौलाना मसरूर नवाज की जानिब से सरगोदा रोड मार्केट में मुहिम की गई। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, बीपी 127 में मौलाना मसरूर नवाज की जानिब से कैंपेन जारी है। सरगोदा रोड पर मौजूद हैं जो कारोबारी हजरात हैं, उनकी जानिब से जो है वो भरपूर हिमायत जो है वो की जा रही है। हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, इस इलाके के मसाइल क्या हैं और मसरूर साहब से किस किस्म की गुजारिशात आप पेश कर रहे हैं? मसाइल जंग के हैं। एक तो ये हॉस्पिटल है, वहाँ पर काफ़ी मैंने देखा है, मरीज़ भी बहुत परेशान है, वहाँ पर मशीनरी नहीं है। और दूसरा जंग के सेवरेज का बहुत मसला है, ये सही होना चाहिए। मुझे उम्मीद है, ये जंग की धरती का बेटा है और इंशाल्लाह ताला इनसे मुझे बड़ी उम्मीद है ये काम करेंगे। इसलिए हम साहब, निगरान हुकूमत ने बहुत कुछ किया लेकिन काम की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, कई सौ साल महरूमियाँ हैं, क्या इकदाम उठाएँ? जी इंशाल्लाह, जितने हमने वादे किए हैं पहले अपने लोगों से, हम सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम उन वादों को पूरा करें, क्योंकि आप एक बात अगर लोगों से करते हैं और फिर उसको आप पूरा नहीं करते तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी ही ख़त्म हो जाती है। और हम जो है इस शहर के चूँकि रहने वाले हैं, मेरा ये अपना वतन है, मेरा घर है, और यहाँ का जो दर्द और तकलीफ़ मुझे है वो यकीनन मैं समझता हूँ शायद किसी और को नहीं होगा। और आज तक इसके साथ यही जुल्म होता आया है। हमारा शहर जो है वो तकरीबन 40 साल से महरूमियों का शिकार है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ होने वाली हैं। और हमारा मुस्तकबिल जो है, अब हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर हम अब भी अपने शहर के लिए नहीं सोचेंगे तो हो सकता है कि हम मज़ीद तारीकी की दलदल में गिर जाएं और शायद फिर आइंदा आने वाले सालों में भी हम इसको कुछ बेहतर। जी बहुत शुक्रिया आपका मुबशर।